आजो मोहसिन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحز على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बेस की अनुमति जनरल मीटिंग के लिए तशरीफ लाए फॉर द सीजन 2018-19। हमेशा की तरह हम लोग हर साल अपनी सीजन स्टार्ट से पहले अनुमति जनरल मीटिंग रखते हैं, जिसमें हम लोग अपने साल में कैसे हम लोग अपने सीजन को खेलना है उसका लाए अमल डिसाइड करते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट को डिस्कस करते हैं। इसी साल इस हर साल की तरह से साल भी हमने इस चीज़ को अपने प्लान का हिस्सा रखा। इसमें हम अपने दोस्तों के साथ अपना बजट भी डिस्कस करते हैं और साथ साथ अपनी प्लेइंग मोडलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। और हमेशा की तरह मैं फिर मशहूर हूँ हमारे क्लब इन्फो की टीम का चार साहब का फजल साहब कहते हैं, उन्होंने अपना वक्त स्पेयर किया और तशरीफ लाए। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद बेस मैनेजमेंट में यूसुफ साहब हैं और शान मलिक साहब हैं बेस मैनेजमेंट में। तो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे अपनी एजेंडा प्लान को, जो हम लोग ने एजेंडा प्लान आपके साथ ड्राफ्ट एजेंडा सर्कुलेट किया था, इसमें जो बेहतरियाँ आप बेहतर समझते हैं जो हो सकती हैं और इसके साथ साथ आप लोगों की सजेशंस वगैरह जो भी हैं वो जो भी आप देना चाहें तो वो हम उसको नोट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको सीज़न में इम्प्लीमेंट करें और उसको अच्छा सीज़न देने की कोशिश करें। इसान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो फिर फाइनेंस पर ही बात करूँगा, तो उससे पहले कोई जनरली अगर इसको डिस्कस करना है या स्ट्रेटजी और ये और पॉइंट्स कर लेना, मेरे भी पॉइंट्स आएंगे तो मैं डिस्कस करूँगा। तो हम लोगों ने आपके साथ एजेंडा ड्राफ्ट एजेंडा शेयर किया था, आप आई थिंक आप लोगों ने सब उसको गो थ्रू तो किया होगा सारे पॉइंट्स से लेकर। जो पहला पॉइंट है वो भी आप देख लें, उससे अगले पॉइंट्स भी देख लें, आगे फॉलोइंग पेजेस पर उसके अगले पॉइंट्स आए। तो जो पहला पॉइंट है उस पर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि इसकी स्ट्रेटजी को हम लोगों ने कैसे लेकर चलना है। जो लास्ट सीजन की स्ट्रेटजी थी, अगर आप लोग उससे मुतमईन हैं तो हम उसको लेकर चलेंगे, अगर आप उसमें कोई तब्दीलियाँ चाहते हैं तो वो भी पॉइंट्स बता दें। लास्ट सीजन में आपको पता है कि हम लोगों ने आउट स्टेशन एक टूर किया, हम लोगों के प्लान थे तीन टूर्स, हम लोग सिर्फ एक टूर कर सके। हम लोगों के प्लान थे कि हम लोग एक दो आउट स्टेशन टूर्स करेंगे जो क्रिकेट के टूर्स नहीं होंगे, सिर्फ टीम बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट से जाएंगे कि जिसमें हम लोग कोई पिकनिक वगैरह या तफरी के लिए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो भी नहीं कर सके, उसकी काफ़ी रीज़न है, काफ़ी वजूहत हैं कि एक तो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, क्योंकि हमारे साथ तीन चार प्लेयर्स जो हैं वो फर्स्ट क्लास के भी माशाल्लाह खेल रहे हैं, जैसे समीर साहब है रावलपिंडी एरेंड्स भी खेल चुके हैं, पीटीवी की तरफ से भी हैं, इस साल लोगों ने अब्बास साहब जट्टी की तरफ से खेल रहे हैं, फरहान भी हैं माशाल्लाह से रावलपिंडी अंडर 19 के कप्तान भी हैं और बाकी माशाल्लाह हमारे दो चार और भी प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है। फरहान उल्फत शाह साहब है वो भी ग्रेड टू खेले हैं कनी क्लास की तरफ से, तो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है साथ साथ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जब हम आउट सेशन टूर्स मैनेज करते हैं तो उसमें आप लोग ज़्यादा जो जॉबर्स लोग हैं उनको अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जो आप लोगों को पहले बता देना चाहते हैं ताकि आप लोग उसको अपने कैलेंडर को अपने लीव कैलेंडर को प्रॉपरली मैनेज कर लें। इसीलिए आपको तो एटलीस्ट हफ्ता दो हफ्ते पहले बताते हैं कि भाई इस तरह हम लोग आगे प्लान करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि हम लोग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे,
लास्ट सीजन हम लोग अपनी स्ट्रेटजी को एज इट इज अचीव नहीं कर सके, उसके लिए वेयर मैनेजमेंट की बिहाफ से मैं मदद भी चाहूँगा और ये भी कहूँगा कि कोशिश करेंगे इस साल के हम लोग जो लाहे अमल डिसाइड किया था उसके ऊपर लेके चले। तो अब मैं अगर किसी को कोई किसी किस्म का पॉइंट है कोई 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 आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे बताएं, हम लोग नोट करेंगे और इंशाल्लाह तआला उसको आगे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। किसी ने स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई बात करनी हो किसी किस्म की भी तो बात कर सकते हैं। यार किसी गर्मी लगी अच्छा यार बिलाल के कहने का मकसद आसान लफाज में आप लोग जो पिछले दो तीन चार पांच साल से खेल रहे हैं बेस में वो सिर्फ ये बता दें कौन सी ऐसी चीजें जो हम नहीं कर रहे थे और इस दफा हमें करनी चाहिए खेलते हुए ग्राउंड्स के हिसाब से टीम्स के हिसाब से एक जनरल आपकी ओपिनियन होती है ना क्या मेरा ख्याल है कि फलानी चीज को ऐसे कर लिया जाए ओपिनियन ही है बड़ी कैंडिड ओपिनियन दें ओपन ओपिनियन दें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके पास हक है आप जो बोलना चाहें जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं और ये सबके लिए इक्वल है किसी के लिए कोई फर्क नहीं है चाहे जो जितना पुराना है जितना नया अपना अपना हाथ रेस करें जिसने जो पॉइंट रेस बताना वो पहले वो हाथ रेस करें हम पॉइंट नोट कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। सीजन के दरमियान में मेरे काम में खुसर खुसर है कि कैसे हो रहा है ऐसे नहीं हो रहा है ऐसे कर रहे थे करो पूरा सीजन पिछला तुम सब ने तकरीबन दो तीन बंदों को छोड़ के खेला हुआ है जितने बैठे हो तो बता दो यार हम ये चीज भाई जान ऐसे करते थे उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम तो जनरल गपशप कर रहे हैं इसमें तो वो तो बता ना सकता है सॉरी मैं एहसान की बातों का ना मतलब ये आपके पास एक फोरम है ना अभी आपके पास फोरम है ड्यूरिंग द सीजन छोटी चीजें चल रही होती हैं आपकी कोई बात कही अन कही सुन अनसुनी हो जाती है अभी आप बताएंगे हम ताकि शुरू में उसको लेकर चलें तो जिसको जो भी कंसर्न है जो कोई समझता है कि मेरे लिहाज से ये चीज़ ऐसे बेहतर इंप्लीमेंट हो सकती थी कोई ये कह सकता है कि जी मैं फॉर एग्जाम्पल किसी को अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस पर कंसर्न है किसी को बॉलिंग पर कंसर्न है किसी को टाइमिंग पर कंसर्न है मतलब मुख्तलिफ किस्म की बातें होती हैं तो आप में से कोई जो भी कंसर्न रेज करना चाहे मैं ज़्यादा वैसे एक्सपेक्ट करूँगा जी रेस मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा बातें सुनने के लिए समी साहब से फरहान से उल्फत से क्योंकि ये लोग मोस्टली प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो ये उसको प्रोफेशनल लेंस से देखें इश्तियाक साहब अगर मशवरा लेंगे तो जो आप लोग ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं उसको प्रोफेशनल लेंस से देखें और मशवरा दें कि प्रोफेशनली हम अपना माहौल कैसे बेहतर बना सकते हैं क्योंकि जब हम क्रिकेटिंग डोजो के अंदर होते हैं तो तब हम लोग एक क्रिकेट टीम होते हैं आउटसाइड आपने हमारा ब्रदरहुड का माहौल देखा है कि हम लोग कैसे जल होकर रहते हैं आपस में लेकिन जब हम एक वाइट या कलर बेस ही किट पहन के क्रिकेट के वो सर्कल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो फिर हमें उतना ही प्रोफेशनल नजर आना चाहिए कि जितना दूसरी टीम हमसे एक्सपेक्ट कर रही होती है हर हवाले से ना सिर्फ परफॉर्मेंस के हवाले से टाइम मैनेजमेंट के हवाले से और हर चीज़ के हवाले से। अजरीस कुछ कहना चाह रहे थे यार मैं वैसे एक दो साल खेला थी उस सीजन में मुझे करंट स्टेटस भी पता लेकिन जो लास्ट टाइम मेरा खेला था मैं तो उसके अंदर जो इशू नज़र आया था वो कैप्टेंसी के ऊपर होता था ठीक है तो अब मुझे नहीं पता है कौन करंट कप्तान है तो उसमें मैचेस जब कंटिन्यूस हारते थे तो उसके ऊपर कैप्टेंसी के ऊपर काफ़ी वो होता था और उन्होंने एक सीजन में कैसे हुए कैप्टन चेंज भी हुआ तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर आप लोगों को काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना चाहिए कि आपकी कैप्टेंसी कौन करेगा। ठीक है ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है इनका क्योंकि अगर हम लास्ट सीजन के भी अगर हम रेशो देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी लास्ट सीजन की जो विन परसेंटेज रही है एक अनफॉर्चुनेट सा रहा है कि हम लोग अपना डेटा भी प्रॉपरली टाइम पर रिकॉर्ड नहीं करते क्लब इन्फो से हमारी इबादत है कि हमें मैच के साथ साथ अपलोड करना चाहिए वो हम अपलोड नहीं कर सकते लास्ट सीजन में हमारा ये रहा है कि टोटल 23 मैचेस 23 मैचेस का रिकॉर्ड हम लोगों ने अपडेट किया है जिसमें से 14 मैच हम लोग जीते हैं 9 मैच हम लोग हारे हैं 7 मैचेस ऐसे हैं जिनका नो रिजल्ट है नो रिजल्ट से मुराद बारिश होगी ये वो टोटल 23 मैचेस हम लोगों ने सीजन के प्लान किए थे हमारा जो विन परसेंटेज है वो 61% रहा है और जो लूजिंग साइड हमारी परसेंटेज है वो 39% है ये भी आपके सामने स्टैटिस्टिक्स मैंने रख दिए हैं कि 23 में से 14 मैच हम लोग जीते हैं 9 मैच हमारे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसको भी हम लोगों ने इम्प्रूव करना है उससे भी रिलेटेड आप सजेशन दे सकते हैं जी सर मेरा ये था ना कि मैंने मतलब पिछला सीज़न खेला है जो कुछ मैचेस मैंने खेल रहे हैं मुझे उसमें थोड़ा सा ये फील हुआ है कि हम लोग थोड़ा कैजुअल अप्रोच से जा रहे थे मैच मतलब जीतने के लिए जा रहे थे लेकिन उस तरह नहीं जा रहे जैसे टीम कम्बिनेशन बना के आदमी जाता है थोड़ा सा नॉन सीरियस से मुझे जो लगा है शायद मैं गलत भी हूँ लेकिन मुझे जो लगा है क्योंकि हम हर मैच हमें जीतना चाहिए
हम चार पांच बीच में प्रोफेशनल प्लेयर भी खेलते हैं इसमें, तो इसमें यह है कि हमें मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको फ्रंट से लीड करना है। आप हैं मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो ऑफिस मतलब ज़्यादातर जो है वो ऑफिस की जॉब करते हैं, तो हमने उनको सबको कवर भी करना है। तो इसमें यह है कि कुछ मतलब प्लानिंग नहीं होती कि हमने करना किस तरह है, किसको किस जगह पे मैनेज करना है, किसको किस जगह पे मैनेज करना है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा है जहाँ से हम लैग कर रहे थे, तो ये है कि जो भी मैच है उसको हम जीत की नज़र से जाना चाहिए और जीतना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे लाहौर गए हैं और यहाँ पे जो मैचेस खेल रहे हैं किंग बॉयज से हो गया आगे पीछे जो मैचेस थे, तो हम थोड़ा सा लेट डाउन हो जाते हैं, मैच आगे चलो यार खैर कोई बात नहीं, लेकिन उस पर हमें सोचना चाहिए और टीम प्लानिंग करके हमें जाना चाहिए यार, क्योंकि इसका किसकी क्या जॉब है और किसको क्या करना चाहिए और किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खेल रहा हूँ, फरहान खेल रहा है, मोहसिन खेल रहा है या समी भाई खेलते हैं, तो हम मतलब मोहसिन है वो विकेट कीपर ऑलराउंडर है, फरहान है, मैं हूँ या समी भाई, हम ऑलराउंडर्स हैं, तो हमें यहाँ पे आपने थोड़ा सा एडजस्ट भी करना है अपने प्रोफेशनल क्रिकेट के हिसाब से भी और गेम्स के हिसाब से भी हमें जो है ना वो आपने एडजस्ट करना है। बस यही था मेरा पॉइंट, थैंक यू। और कोई भाई कुछ बात कहना चाहेगा? आसिम, आमिर, असलान, बिलाल जी, मेजर कसान जो हमारी टीम के साथ जो मैंने एक सीजन में देखा है, मतलब मेजर जो हमारा जहाँ पे हम लैग ज़्यादा करते वो मोस्टली फील्डिंग ही था, फील्डिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा लैग करता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी होता है। तो उसमें इम्प्रूवमेंट वैसे कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस आती है तो भी वेरी ऑनेस्ट बात है, तो हम लोगों में से बहुत कम लोग हैं जिनके पास इतना टाइम होता है। और आपको एक और मैं बात बताऊं, जिस तरह की उन्होंने बात की कीवी बॉयज़ जैसे ग्राउंड की, कीवी बॉयज़ जैसे ग्राउंड में फील्डिंग इटसेल्फ एक चैलेंज है एटलीस्ट हम जैसे टीमों के लिए, लेकिन उनके क्रिकेट का स्टैंडर्ड रावलपिंडी की क्रिकेट में इतना अच्छा है कि हमें उनके साथ क्रिकेट खेलने का मज़ा आता है, वो एक बहुत आपको कॉम्पिटिटिव मैच मिलता है और एक पैशन वाली टीम है उनकी। तो आपकी बात ठीक है, हमने वहीद भाई को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो सुबह आके लड़कों में थोड़ी कैचिंग वगैरह कराएँ, और तो वहीद भाई तो उसके साथ स्टिक रहे, वो तो सिंसियर रहे थे अपनी असाइनमेंट के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उसको बड़ा लॉन्ग सीरियस लिया, हम लोग एक तो टाइम से ही आते थे फिर ना हम लोग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते थे, तो हमें सुबह थोड़ा टाइम से आना चाहिए, थोड़ा ग्राउंड की एक दो चक्कर लगाने चाहिए ताकि बॉडी वार्म अप हो और फिर थोड़े फील्डिंग सेशंस भी करने चाहिए। तो ये आपका पॉइंट बड़ा वेल नोटेड है जी। देख रहे होते हैं 18 जो है वो कंफर्म होते हैं, 18 जो है वो कंफर्म होते हैं, लेकिन जब हम सुबह आते हैं तो बड़ी मुश्किल से वो 11 या 12 होते हैं, और वो भी कम्युनिकेट नहीं करते कि मैं नहीं आ रहा, लास्ट मोमेंट में हमें पता चलता है कि ये बंदा नहीं आ रहा इस वजह से, ये ज़्यादा कंसर्न। ये तो जादेव साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, शादी बैठा हुआ है, अदरीस बैठा हुआ है, ये उस वक्त के बेल्स के मेम्बर हैं जब बेल्स सती बैठा हुआ है, शान बैठा हुआ है, तो ये हम लोगों ने जब बेल्स शुरू की थी ना, नाम उसका थोड़ा डिफरेंट था, केरूस के नाम से, तो ये परंपरा हमारी उस वक्त से ही कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। रात को जो गली में मीटिंग हो रही थी, उस गली में मीटिंग में पूरी गली भरी हुई होती थी, लेकिन जब सुबह सुबह मैच में आ रहे थे तो शेख साहब को सुन लेते हैं। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा कंसर्न हमेशा से प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का रहा है कि मुझे हमेशा प्लेयर्स मैनेज करना, जो टीम के पुराने मेंबर्स हैं उनकी आपकी टीम में क्या स्टेटस होगा, मींस मैं इस बात से नहीं कहता सारे हम लोग इतना ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है, शायद आप भी हो उसमें, जॉब भी करते हो सारा हफ्ता काम करते हो, जो पुराने मेंबर्स हैं उनका क्या स्टेटस है, मसलन वो उनकी क्या पोजीशन होगी टीम में। आप एक बात तरफ करते हो, आप माशाल्लाह कहते हो जी प्रोफेशनलिज्म, हम प्रोफेशनल कर रहे हैं सारे माशाल्लाह लड़के खेलने वाले हैं, सारे यंग भी हैं, एंथुसियास्टिक भी हैं, पुराने जो लोग हैं उनमें इस हिसाब का जज्बा नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या वो चीज़ नहीं रही, तो मसलन उस चीज़ को आप कैसे करोगे, क्या मैनिपुलेशन करोगे उस चीज़ को, क्या कॉम्बिनेशन बनाओगे उसकी, उसके बारे में। जहाँ तक तो पुराने लड़कों का ताल्लुक है ना, उसका सबसे हमारा जो बेस का हमारे बेस की गैदरिंग के दो कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली क्रिकेट है, गेम ऑफ क्रिकेट है, और जो दूसरा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि उसको सुपरसीड कर देता है, वो हमारी ब्रदरहुड है और हमारा जल हो रहा है आपस में, हर संडे को
इकट्ठा होना। तो जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो ऑटोमेटिकली एटमोसफियर ऐसा बन जाता है कि वो पुराना वाला केरू लेमन वाला सीन याद हो जाता है कि मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं। तो उसमें पुराना हो या नया हो या प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, वो सारे ऑटोमेटिकली जेल होकर एक ही मकसद के लिए खेल रहे हैं कि मैच जीतें। लेकिन जिस तरह आपकी बात है कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल बीच में मिक्स होकर खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन आपका 11-12 से बनता है। तो हम 11 प्रोज तो खिला नहीं होते, हम 4-5 या 3-4 प्रोज होते हैं हमारे पास हर मैच में, तो बाकी हम लोगों ने खेलना होता है। तो हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा डेवलप हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग विन के लिए मैच खेलते हैं, कोशिश हमारी यही होती है। अगर आपका जवाब मैं सवाल का प्रॉपरली जवाब दे सकता तो एहसान। थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ, दूसरी बात ये जानदेव जो अंडरस्टैंड मैं भी करता हूँ, फिर हम सारे मैं आते तो जो जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन सबका जूनियर था, लेकिन मैं भी अभी सीरियसली फील करता हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया। तो सारी सी बात है, हम लोगों में एनर्जीज वो वाली नहीं रही। ये बच्चे जो हमारे साथ हैं, हम भी कोशिश यही करते हैं कि इनको आगे रख के इनके पीछे छुप के खड़े हों, अगर हमारी जरूरत पड़ जाए तो हम आ जाएं, ना पड़े तो सबसे ये सारे माशाल्लाह फ्यूचर है इनका क्रिकेट। हम मेरा अब हम ही जो 5-6 बुढ़े हैं ना टीम में, हमारा बेसिकली ज्यादा मकसद ये होता है कि हम अपना वो जो हफ्ते की स्ट्रेस हमारे दिमाग में इकट्ठी होती है ना, एक दिन इकट्ठे बैठ के वो सारी रिलीज कर लें, शोर मेला लगाएं, इंजॉय करें। लेकिन उसका हर किसी मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा दिन ग्राउंड में बैठ रहे हैं, जाहिर सी बात है आपकी फैमिली की कमिटमेंट्स भी होती है। हम खेलते भी हैं, ये नहीं है, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं,